बहुत ही दुखद है। मैं निशब्द हूँ और स्तब्ध हूँ कि अब उत्तराखंड जैसे राज्य में, जो कि देवभूमि कहा जाता है, जहाँ भोले भाले लोग रहते हैं, वहाँ इस तरह के कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। इतना जघन्य कृत्य जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए कि एक 19 वर्षीय बच्ची अपने घर से काम की खोज में बाहर निकलती है और मात्र 22 दिन बाद मौत के घाट उतार दी जाती है और दुष्कर्म करके। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इस पूरे घटनाक्रम से कई तार जुड़े हुए हैं जिसको बचाने की कवायद सरकार और प्रशासन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी साफ साफ जनता को बताया नहीं जा रहा है। अंकिता के शरीर पर चोट के निशान क्यों थे, उसके दांत टूटे हुए क्यों थे, उसको एक ने रेप किया या गैंग रेप हुआ है, उसको किसी एक ने धकेला या सबने मिलकर धकेला है, और कहीं ना कहीं पटवारी का छुट्टी जाना अपने आप में संदेहास्पद है। रात के अंधेरे में बुलडोजर चलना, साक्ष्यों को और सबूतों को मिटाया जाना अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है, और कोई कोऑर्डिनेशन ना दिखाई देना। आप देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल के बाहर छावनी बनी हुई है, रितु खंडूरी के घर के बाहर छावनी बनी हुई है, पर जिस रिजॉर्ट को तत्काल प्रभाव से सील हो जाना चाहिए था, उस रिजॉर्ट में कोई भी आ जा सकता है। ये अपने आप में विडंबना नहीं है तो और क्या है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी उत्तराखंड की मीडिया को, बढ़ चढ़ कर, जिन्होंने इस मामले को राष्ट्रीय मामला बना दिया है। और कहीं ना कहीं अब आरोपी बच नहीं सकते, न विपक्ष के हाथों और न कानून के हाथों। देखिए, कमाल की बात है कि पीछे कुछ दिनों से या कुछ सालों से जितने भी दुष्कर्म के मामले, महिला अपराध के मामले सामने आ रहे हैं, ये सारे के सारे इनके तार जुड़े हैं भाजपा और आरएसएस के नेताओं से। ऐसे में इनका चाल चरित्र चेहरा आज देश के सामने उजागर हो रहा है कि सुशासन के नाम पर और पारदर्शिता के नाम पर, सबका साथ सबका विकास के नाम पर ये असल में कर क्या रहे थे। तो ऐसे में पुष्कर सिंह धामी सरकार से हमें बिल्कुल कोई आशा नहीं है। धाकड़ धामी के नाम पर आपने बुलडोज़र चढ़वा दिया और अपने वाहवाही लूटी। रात के अंधेरे में आपने ये काम किया। आपके डीएम को ही पता नहीं है कि किसने बुलडोज़र भेजा और क्यों भेजा, किसने अंकिता के कमरे में आग लगाई, क्यों आग लगवाई गई, क्यों बुलडोज़र चलाया गया, साक्ष्य और सबूत मिटाए गए। और जो पुलिस रिलीज मिली है वो पूरी तरह से धुंधली है, उसमें मुख्य आरोपी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पुलिस इसको गैर इरादतन हत्या की ओर मोड़ने की कोशिश कर रही है, जो कि हम होने नहीं देंगे। इसमें ये बताया जा रहा है कि अंकिता ने पहले वायलेंस शुरू करी, वो पहले आक्रामक हुई और इन्होंने सेल्फ डिफेंस में उसको नहर में धकेला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन लड़कों को बचाने की कोशिश हो रही है, पुलिस मामला कमज़ोर कर रही है। और जिस तरह से पीड़िता के माँ बाप को शोषित किया गया, 5-6 दिन तक कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई, कोई छानबीन नहीं हुई, और विनोद आर्या और उसके बेटे को जिस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट पुलिस के द्वारा दिया गया, ये भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। महिला आयोग गायब है, महिला एवं बाल विकास मंत्री कल शाम 4:30 बजे जागी हैं, यानी कि पूरी घटना के 7-8 दिन बाद वो अपनी कुंभकर्ण की नींद से जागी और सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करके उन्होंने अपनी यतिश्री करना ठीक समझा।